दोस्तों कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और देश के सभी पॉलिटिशियंस वोट मांगने में बिजी हैं। और ये बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही हैं। और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए और उनकी रैलीज और इवेंट्स को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरह से कोविड को हरा पाएंगे? गाइस कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमने लास्ट ईयर देखी थी, जब पूरे देश में कोविड केसेस बढ़ रहे थे तब बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे और ऐसी सिचुएशन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के अपनी रैलीज निकाल रही थी। और गाइस उसका नतीजा ये हुआ कि एक ही दिन में लाखों केसेस बढ़ने लगे और सभी हॉस्पिटल्स फुल हो गए और बेड ना मिलने की वजह से लोग हॉस्पिटल्स के बाहर ही दम तोड़ने लगे। और उस टाइम कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जिसने किसी अपने को ना खोया हो। और गाइस इस साल भी सभी पॉलिटिशियंस वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं और इससे साफ पता चलता है कि ये सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक आम इंसान के लिए हैं। गाइस अगर एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं, और अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो रैलीज क्यों नहीं? दैट्स व्हाई नाउ आई एम फ्रस्ट्रेटेड। एंड अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 2022 भी हम ऐसे ही गुजारना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए कि कुर्सी पे सोए हुए पॉलिटिशियंस जाग जाएं। जय हिंद।